जिनेन्द्र, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बिल्कुल फ्री है, और मेरे वीडियो को पहले देखने के लिए ये बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल पनीर अंगारा की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी है और एकदम ढाबा स्टाइल जैसी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी, और इसको एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनाने के लिए मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया और उसमें 1 टीस्पून हींग एसाफोटिडा डाल दिया, 2 तेज़पत्ते, 2 लौंग, 4 होल ब्लैक पेपर काली मिर्ची, 1 बिग ग्रीन कार्डमम, दालचीनी स्टिक्स 1 स्टिक डालिए, और 1/2 कप काजू डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे, और 1 कप चॉप्ड अनियंस भी डाल दिए। ये सबको हमको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन की कलियाँ भी डाल के अच्छी तरह से इसको हिला देंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन हो जाए जब तक। फिर मैंने इसमें चॉप टमेटोज टमाटर भी ऐड कर दिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको मैंने एक अलग प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने उसी तेल में इसमें चॉप्ड अनियंस डाले, अनियंस को एकदम बारीक चॉप करना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब 1/2 कप चॉप टमेटोज ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जब तक कि तेल कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। अब हमने जो पेस्ट बनाया था, काजू वाला पेस्ट नहीं सॉरी मिक्सचर बनाया था, उसको मिक्सर ग्राइंड में लेकर उसको ग्राइंड कर देंगे, एक फाइन पेस्ट बना देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और वही पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे टमेटोज़ और अनियन वाली ग्रेवी में, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आप चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हैं आपको अगर इसका मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अब मैं इसमें 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और पिंच ऑफ टर्मरिक हल्दी पाउडर, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें इसको जब तक अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि जो इसमें तेल है वो कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए, जब तक हमें इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है। और मैंने इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दिया। अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, कसूरी मेथी से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब 2 टीस्पून किचन किंग मसाला, अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून थिक कर्ड ऐड करा है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छे से हिलाना है। अब सॉल्ट टू टेस्ट, आप सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, उसको अच्छी तरह से सॉटे कर देना है। अब मैंने इसमें डाइस्ड कैप्सिकम और अनियंस डाल दिए, शिमला मिर्च और प्याज, उसको ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिक्स करना है। अब देख सकते हैं कि ये हमारा तेल ने कढ़ाई छोड़ दी है। अब मैंने इसमें ग्रेटेड पनीर कॉटेज चीज़ ऐड किया, ये मैं पनीर अंगारा की सब्ज़ी बना रही हूँ इसके लिए मैंने इसमें पनीर को ग्रेट करके भी डाला था ताकि इसकी ग्रेवी और थिक हो जाए। अब मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको बंद कर दिया था इसके ढक्कन को। अब मैंने शक्कर ऐड की है, ये एक टिप है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसको और ऑथेंटिक बनाती हूँ, एकदम ढाबा स्टाइल जैसी बनाती है। आप शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर तो। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें जो पनीर है उसको फ्राई कर देंगे। मैंने 250 ग्राम्स पनीर लिया, अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने जो पहले ग्रेवी बनाई थी उसके अंदर ऐड कर देना है और चीज़ डाल देना। ये ऑप्शनल है, आप चीज़ डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, पर मेरी फैमिली को चीज़ बहुत पसंद है तो मैंने इसमें चीज़ ऐड किया। अभी हम अंगारा की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें मैंने कैबेज लीव रखी है और उसके अब इसके ऊपर हम गरम करके कोल रख देंगे कोयला, और इमीडिएटली उसको बंद कर देना है उसके ढक्कन को, और 2 से 3 मिनट के लिए
ग्रेवी के अंदर ही रहने देना है ताकि इसके अंदर जितना भी कोल का जो टेस्ट होगा वो अंदर चला जाए और हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और टेस्टी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी है। सर्व करें गर्मा गर्म चपाती कुलचे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।